गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 7 इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे। आपने शब्दार्थ अपनी कॉपीज में लिख लिए होंगे और साथ ही इन श्लोकों की हिंदी भी लिख ली होगी। अब आप प्रश्न नंबर 2 पर आइए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। वयम किम रचयाम, वयम किम रचयाम, हम क्या बनाएंगे। विमानयानम, तो किम की जगह विमानयानम, वयम विमानयानम रचयाम। प्रश्न नंबर क देखिए। कीदृशे गगने वायु विहारम करवाम, तो कीदृशे गगने, तो कीदृशे हटाकर वहां लिखेंगे विमले, विमले गगने वायु विहारम करवाम। अगला प्रश्न है, वयम विमानेन कुत्र प्रविशाम, तो वयम विमानेन कुत्र की जगह चंद्र लोकम प्रविशाम, कुत्र हटा देंगे और चंद्र लोकम प्रविशाम। अगला प्रश्न है, वयम कीदृशं भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, वयम कीदृशं, तो कीदृशं हटा दीजिए यहाँ से, अतुंग, वयम तुंग भवनम क्रांत्वा आकाशम याम। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है पाठ से, जो है उचित पद देखकर और उसकी फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। अब अगला देखिए, अम्बुद मालाम अम्बर भूषणाम आदा यही प्रतियाम। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको जो भिन्न है उसको लिखना है, भिन्न यानी जो इन चारों में एक अलग चीज़ है उसको अलग से लिखना है। जैसे पहला है, शुक्र वृक्ष चंद्र गुरु, शुक्र चंद्र और गुरु ये सब ग्रह हैं, इसमें वृक्ष जो है ये अलग है, तो भिन्न वर्ग क्या हो गया, वृक्ष। इसी तरह देखिए क में छात्र शिक्षक भिक्षुक प्राचार्य, इन सब में सब छात्र शिक्षक और प्राचार्य एक तरह का है, भिक्षुक यानी भिखारी अलग है, तो आप भिक्षुक को भिन्न वर्ग में डालेंगे। अगला देखिए, शुक्र कपोत वानर काक, इसमें सारे पक्षी हैं उसमें वानर अलग है, वो पशु है, तो वानर को भिन्न वर्ग में डालेंगे। पत्रम पुष्पम मित्रम फलम, पत्रम पुष्पम मित्रम फलम, तो पत्रम पुष्पम और फलम ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं और मित्रम इसमें भिन्न है। सिंह मयूर मंडूक गज, इसमें सिंह मंडूक गज एक जैसे हैं और मयूर मयूर पक्षी है इसलिए अलग है। अब प्रश्न नंबर 5, इसमें पर्यायवाची बताए गए हैं बच्चों। विमले निर्मले गगने आकाशे सूर्य दिवाकर अम्बुद जलद। प्रश्न नंबर 6, इसमें तुकांत पदों को लिखना है। भवनम सोपानम गणयाम रचयाम प्रतियाम जनयाम। अब इसी तरह से बच्चों ये पाठ अब समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और इसमें सभी अभ्यास कार्य पहले आप खुद करने की कोशिश करिए स्वयं ही, और जब ना समझ में आए तो जो उत्तर लिखें उसका सहयोग लीजिए और सारा कार्य पूरा करिए। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।